नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइकर डैड लाइफ। कैसे हो आप लोग? मैं तो हूँ बहुत ही बढ़िया। तो आज के इस वीडियो में हम दिखाने वाले महिंद्रा की लेटेस्ट जो है पिकअप, ये है द 2022 महिंद्रा बोलेरो मैक्स। तो इस मैक्स वाले पिकअप में आपको क्या क्या नया मिलता है, क्या क्या नहीं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वाले वीडियो में। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए विदाउट एनी अडू चलते हैं देखते हैं ये वाली लेटेस्ट पिकअप। तो यहाँ पर सामने से हम देख रहे हैं ये वाली पिकअप, काफ़ी बढ़िया लग रही है। इनफैक्ट आपको जो ग्रिल भी दिखाई देता है, ये नया सा ग्रिल देखने मिल रहा है हमें और कंप्लीट एसयूवी जैसे लग रही है अभी ये पिकअप। तो कोई बताएगा नहीं या फिर कहेगा नहीं कि ये एक कमर्शियल व्हीकल है, तो उसके हिसाब से कंपनी ने बनाई है और काफ़ी बढ़िया लुक दे दिया है सामने से। यहाँ पर आपको आगे जो इसके हेडलाइट्स भी दिखाई देते हैं वो भी काफ़ी बढ़िया है। आपको फर्स्ट इन क्लास टर्न सेफ लाइट्स भी मिलते हैं जो हमें नॉर्मली कमर्शियल व्हीकल्स में नहीं दिखते हैं, ज़्यादा कार्स में वगैरह हमें देखने मिलते हैं। तो इसमें टर्न सेफ लाइट्स मिलते हैं विच इज़ अ गुड सेफ्टी लाइट। यहाँ पर आपको और एक लाइट देखने मिल रहा है, आपको यहाँ पर फॉग लाइट की सुविधा भी की गई है, तो आपको फॉग लाइट भी आप बिठा सकते हो एज एन एक्सेसरी। आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स देखने मिल रहे हैं। आगे से यहाँ देखोगे यहाँ पर एक टोव हुक है, जस्ट इन केस अगर गाड़ी बंद पड़ती है या कुछ हो जाता है, किसी को खींचना होगा तो आप इस टोव हुक से खींच सकते हो। तो बोनट भी अगर आप देखोगे तो शॉर्ट कर दिया है, छोटा कर दिया है बोनट, तो जिससे क्या होता है ड्राइवर को सिटी में चलाने में ईजीनेस होती है और वो आगे ज़्यादा टर्निंग वगैरह करने में उसको दिक्कत नहीं होती अगर बोनट उसका छोटा होगा। तो इंजन छोटा कर दिया है विच इज़ वेरी गुड। आगे की अगर ग्लास भी देखोगे तो काफ़ी ब्रॉड है और काफ़ी बढ़िया है ताकि जो ड्राइवर है उसको विजिबिलिटी काफ़ी बेहतर हो। यहाँ पर वाइपर्स देखने मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको जो लिक्विड है उसका वाटर लिक्विड है उसका आउटलेट है। तो ये सर्टिफाइड 3 सीटर पिकअप है, तो आगे आप आराम से एक ड्राइवर छोड़ के दो और लोग बैठ सकते हैं। 80 का स्पीड लिमिट मिलता है आपको इसमें। तो यहाँ पर देखोगे तो आपको बोलेरो मैक्स की पिकअप की यहाँ पर ब्रांडिंग है, 3D लोगो देखने मिल रहा है। यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर्स, अगेन यहाँ पर भी टर्न इंडिकेटर्स है। 15 इंच के आपको व्हील्स दिखाई देते हैं इसमें और काफ़ी बढ़िया व्हील्स है, 15 इंच के क्लास लीडिंग आपको व्हील्स दिखाई देते हैं। दोनों साइड पे आपको फुटरेस्ट भी देखने मिल रहा है जिससे आप चढ़ के अंदर चढ़ सकते हो। तो यहाँ पर आपको सिटी 3000 VXI की ब्रांडिंग दिखाई दे रही है, तो बेसिकली ये टॉप मॉडल है। तो ये आपको जो कलर दिखाई दे रहा है ये है गोल्डन कलर। इसमें और दो कलर्स आते हैं, एक आता है सिल्वर और दूसरा आता है वाइट। तो आप 3 कलर्स में ये वाली जो बोलेरो मैक्स है ये खरीद सकते हो। ये 3 अलग वेरिएंट्स में भी आती है, एक तो आती है सिटी 3000, दूसरी आती है सिटी 3000 LX और तीसरी आती है सिटी 3000 VXI। ये वाली जो है ये टॉप एंड वेरियंट है, सिटी 3000 VXI जो है जैसे मैंने आपको जस्ट दिखाया है ये टॉप वेरिएंट मिलेगा आपको और काफ़ी बेहतरीन लगती है, शानदार लगती है इस गोल्डन कलर में। इसमें आपको आगे रिजिड लीफ सस्पेंशन मिलता है और पीछे आपको ओवरस्लिंग रिजिड लीफ सस्पेंशन मिलता है। तो सस्पेंशन काफ़ी प्रूवन है इस वाले पिकअप का, काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं कि जो बोलेरो है ये काफ़ी नाम कमा चुकी है ऑलरेडी मार्केट में और सस्पेंशन जो है इसका टेस्टेड है, टाइम टेस्टेड है। आपको एक बहुत ही बढ़िया और क्लास लीडिंग 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने मिलता है, तो वो भी काफ़ी बढ़िया है इस वाले पिकअप में। पीछे से अगर हम देखेंगे तो आपको LED लाइट्स दिखाई देते हैं यहाँ पर और ये टर्न इंडिकेटर्स भी दिखाई दे रहे हैं। और जो यहाँ पर पीछे से अगर हम देखेंगे तो ये स्टेफनी व्हील भी यहाँ पर बीच में दी गई है, जिससे क्या होता है कि आपको जो बैलेंसिंग है इस वाले पिकअप का वो बढ़िया रहता है। प्लस आपको यहाँ पर एक टॉप रैक, ट्रॉली रैक दिखाई दे रहा है जो नॉर्मली यूज़ होता है वाटर के बड़े बड़े जो बॉटल्स होते हैं वो लेके जाने के लिए, या फिर आप वेजिटेबल्स भी अगर कैरी, सब्जी अगर ले जाना चाहते हैं तो आप सब्जियां भी कैरी कर सकते हो उसमें भर के। 1300 किलो की आपको लोड बेयरिंग कैपेसिटी मिलती है इस वाले पिकअप में। 45 लीटर्स की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको देखने मिलेगा फ्यूल टैंक, जो कि अगर आप बराबर से लोडिंग करोगे 1300 kg के अंदर तो आपको डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज मिलेगा। अराउंड 17 तक का माइलेज या फिर एवरेज जो है कंपनी क्लेम करती है, तो उसके लिए आपको बराबर से लोडिंग रखना पड़ेगा। तो आपको JK के टायर्स देखने मिल रहे हैं यहाँ पर और 195/80 सेक्शन के आपको टायर्स देखने मिल रहे हैं। 15 इंच के अलॉयज है, मैंने आपको पहले ही बताया, 15 इंच का रिम है रादर, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो यहाँ पर अभी बढ़िया सा आपको इंजन देखने मिल रहा है,
M2DI का इंजन मिलता है इस वाले बोलेरो मैक्स पिकअप में, और काफ़ी प्रूवन इंजन है, काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं ये वाला इंजन बढ़िया परफॉर्म कर रहा है और वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है महिंद्रा का। ये वाली जो पिकअप है आपको 48.5 kW पावर जनरेट करती है और 195 mm टॉर्क देती है, तो जो इसके टॉर्क फिगर्स है वो भी काफ़ी बढ़िया है, और अगर आप अपहिल जा रहे हो या फिर किसी घाट वाट में चढ़ रहे हो तो आराम से चलती है। अगर आप लोड भी लेके जाते हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो टॉर्क है, टॉर्क फिगर्स काफ़ी बढ़िया है। और एक जो बढ़िया चीज़ है इसमें, ये बी एस सिक्स पिकअप है, प्लस ये एक 4 सिलेंडर की आपको पिकअप मिलती है, तो इसमें आपको कोई भी एड ब्लू डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती इस वाले पिकअप में, तो आपका खर्चा बच जाता है, वो एड ब्लू एक्स्ट्रा डालने नहीं पड़ता है आपको, तो उससे आपका काफ़ी खर्चा बच जाता है इस वाले पिकअप में। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो आपको बढ़िया सा यहाँ पर ये हैंडल देखने मिलेगा, काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है, स्ट्रॉन्ग है हैंडल। यहाँ पर आपको कांच ऊपर नीचे करने के लिए हैंडल दिख रहा है, ये आपको ओपन एंड क्लोज है। ऑब्वियसली आपको यहाँ पर स्टेप देखने मिल रहा है आपको चढ़ने के लिए अंदर। तो यहाँ पर आपको फैब्रिक सीट्स देखने मिल रहे हैं जो कि काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के है, काफ़ी कार जैसे फील दे रहे हैं इनफैक्ट। और जो कैबिन भी है काफ़ी स्पेशियस देखने मिल रहा है आपको कैबिन भी, जो ड्राइवर है उसको भी काफ़ी लेग स्पेस दिखाई दे रहा है, और जो पिलियन है जो दो लोग बैठ सकते हैं साइड में उनको भी काफ़ी जगह मिलती है आगे। इनफैक्ट यहाँ पर आप देखोगे आपको एल्यूमिनेशन भी मिलता है, यहाँ पर एक लाइट भी देखने मिलता है, यहाँ पर आपको ऑब्वियसली जो रेयर व्यू मिरर देखने मिल रहा है, सन से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए आपको ये वाले ब्लाइंड्स भी दिखाई दे रहे हैं जो कि काफ़ी बढ़िया है, प्लस आपको पीछे हेडरेस्ट भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो आराम से जो ड्राइवर है ड्राइव कर सकता है ये वाली जो पिकअप। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो चाबी है उसके लिए जो साइड में आपको इल्यूमिनेशन दिखाई दे रहा है या फिर लाइट दिखाई दे रहा है, ताकि रात को ड्राइवर आराम से की होल जो है वो स्पॉट कर सके। तो अभी मैं बैठा हुआ हूँ अंदर और काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है मुझे, सिटिंग भी काफ़ी कंफर्टेबल है। इनफैक्ट इसमें जो है जो ड्राइवर पे यहाँ पे आपको जो सीट है वो एडजस्टेबल मिलती है, तो ये फर्स्ट इन क्लास है, जो इसकी सीट है ड्राइवर की वो फुली एडजस्टेबल है, अगर वो शॉर्ट भी होगा उसकी हाइट कम भी होगी तो आराम से वो लगा के ऊपर नीचे कर सकता है, सीट को अपने हिसाब से बिठा सकता है। तो इसमें आपको पावर स्टीयरिंग मिलता है जो कि काफ़ी बढ़िया है, प्लस आगे आप अगर देखोगे तो इंजन का जो बोनट है वो भी छोटा है, ताकि टाइट स्पॉट्स में आप सिटी में वगैरह आराम से इसको मुड़ा सके, और इसका टर्निंग रेडियस भी आपको 5.5 meters का बढ़िया सा मिलता है, विच इज़ वेरी गुड। अगर अंदर से हम देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया लग रही है हमें जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, पूरा जो इसका जो फेशिया है या फिर आगे जो आपको पैनल दिखाई दे रहा है कार जैसा ही दिखाई दे रहा है पूरा पूरा, और काफ़ी बढ़िया लगा है। यहाँ पर आप एक इंफोटेनमेंट सिस्टम भी लगा सकते हो, ताकि ड्राइवर लंबे रूट्स पे जाएगा तो म्यूज़िक व्यूज़िक लगा के आप वो जा सकता है, प्लस यहाँ पर आपको एक हैंडल भी दिखाई दे रहा है, प्लस यहाँ पर सामान रखने की जगह भी है, प्लस यहाँ पर भी आप लॉक करके रख सकते हो सामान अंदर। पीछे भी अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर एक ऐसा विंडो पैनल दिखाई दे रहा है, तो हवा पानी वगैरह अच्छे से हो सकता है इसमें, प्लस अगर पीछे कोई सामान होगा तो ड्राइवर या फिर उसका को ड्राइवर है वो पीछे देख के बता सकता है। तो चलिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं, फुली डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाई दे रहा है, और आपको जो इसका स्पीड है वो भी डिजिटल दिखाई दे रहा है, आपको RPM यहाँ पर जो गेज है वो भी दिखाई दे रहा है, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है इनफैक्ट। और यहाँ पर किलोमीटर्स कितनी चली है, टाइम वगैरह भी दिखाई दे रहा है, आपको बैटरी का स्टेटस दिखाई दे रहा है, आपको हीट का भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर फ्यूल गेज भी दिखाई दे रहा है। अगर आप दरवाज़ा खुला रखते हो तो ऐसे आपको दरवाजे का भी आपको इंडिकेटर आ जाएगा, जस्ट इन केस आप भूल जाते हो दरवाज़ा खुला रखे, तो काफ़ी बढ़िया है इनफैक्ट। दिन और रात में दोनों में आपको काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी इस वाले पिकअप के साथ। यहाँ पर आपको हैजार्ड लाइट देखने मिल रहा है, प्लस जो अभी गियर बॉक्स है वो भी यहाँ पर टिल्टेड टुवर्ड्स द ड्राइवर मिलता है, ताकि वो आसानी से डाल सके। आपको 5-speed गियर बॉक्स दिखाई मिलता है यहाँ पर, और जो पहले हैंड ब्रेक था वो यहाँ पर आता था, राइट साइड पे आता था ड्राइवर के, तो अभी वो वाला हैंड ब्रेक यहाँ पर आ जाता है लेफ्ट साइड पे ड्राइवर के, तो जस्ट लाइक अ कार के जैसे ही वो हैंड ब्रेक खींच सकता है और आसानी से ये वाली पिकअप चला सकता है। तो जब आप ये वाली पिकअप खरीदते हो तो आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, विच इज़ द IMAX ऐप, जिससे आप ट्रैक कर सकते हो ये वाली पिकअप जहाँ पर जाएगी या फिर जहाँ पर जाती है, तो वो सारी चीज़ें आप ट्रैक कर सकते हो ऐप के ऊपर, प्लस आपको मैप पर भी आप देख सकते हो, लोकेट कर सकते हो, प्लस जो हेल्थ जो है इस वाली पिकअप की वो भी आप ऐप के थ्रू चेक कर सकते हो कि गाड़ी की हेल्थ कैसी है वो वाला।
तो ये वाली जो पिकअप है आपको ऑन रोड जाती है 8,46,000 यहाँ पर नवी मुंबई में। तो अगर आपको विदाउट ये रैक लेना है, ट्रॉली लेना है, अगर इसके विदाउट लेना है तो अराउंड 8.20 जाती है ऑन रोड यहाँ पर नवी मुंबई में। आपको इस पिकअप पे 1,00,000 किलोमीटर या फिर 3 साल की वारंटी भी मिलती है, जो कि काफ़ी बढ़िया कर दी है, और जो ओनर है वो आराम से चला सकता है इस वाले पिकअप को। तो अगर आपको ये वाली पिकअप जो है ख़रीदनी हो, अगर आप नवी मुंबई या फिर मुंबई से हो, तो आप डेफिनेटली भावना महिंद्रा यहाँ पर जो नेहरू में पड़ता है यहाँ से ख़रीद सकते हो। इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर और लिंक है वो मैं छोड़ता हूँ डिस्क्रिप्शन में। आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन हो इस पिकअप के बारे में तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे कमेंट्स की आंसर्स दूँ। तो यहीं पर ये वाला वीडियो एंड करना चाहूँगा, होप आपको अच्छा लगा होगा तो डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, ध्यान रखना आप अपना और अपने फैमिलीज का, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।